चोला पाकर ही गुण गाना चाहिए, कविताई पर गौर करना, फिर सतगुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। स्पेशल भजन शुभम भाई आपके लिए, पहली कली में कौन है पहले गुरु, उनकी सेवा करनी चाहिए, टूट के उनकी सेवा करोगे तो फिर आगे का स्टेप तैयार है। पहली कली में किन की सेवा करनी चाहिए, क्या लिखा है, क्या दर्शाया है। सनातन ज्ञान बताना चाहिए, तेरे ठीक ठिकाने समय पर पढ़ने बिठाना चाहिए। मानव चोला पाक हरि गुण गाना साथी बैठे हैं, मेरी उम्र के युवा साथी बैठे हैं, गौर से सुनोगे तो भजन समझ में आओगा। पहला गुरु पिता वर्मा, बीज से रचीजा खोड़, फिर दूसरा गुरु माता, रज को साथ में लेती है रोड़, नर्तन चोला तैयार हो गया भाई, तीन पांच का मिलकर जोड़, मात पिता ने सनातन ज्ञान बताना चाहिए, फिर ठीक ठिकाने समय पर पटन बैठाना चाहिए। अब आएगा दूसरी कली का जिक्र, चार पांच साल का हो बच्चा तो फिर उसको विद्यालय में, पाठशाला में, गुरुकुल में भेजो, वहां उसके अध्यापक गुरु वो शिक्षा देंगे, वो समाज के लिए अच्छे कार्य करेगा। क्या लिखा है कवि ने दूसरी कली में, क्या दर्शाया है। शिक्षा देनी चाहिए जो जीव का
उतार करे सा ज्ञान दुरुसी भक्ति चर्चा सब संसार नारद सा ज्ञान दुरुसी भक्ति चर्चा सब संसार अरे 25 साल ब्रह्मचर्य ठीक निभाना चाहिए हो फिर ग्रस्त बसाओ ग्रस्ती कैसा पाना चाहिए हो मानव चोला पाक हरि गुण हरे हो क्या है एक मंदिर है उस मंदिर में एक मूरत है मूरत कैसी हरे होती है तेरी सूरत कैसी होती है एजुकेशन तक का जिक्र विद्यालय में कॉलेज में जाओगे तो वहां गुरु अब फिर ग्रस्त बसावा ग्रस्ती कैसा बनना चाहिए ग्रस्ती अपनाने के बाद कोई अपना आध्यात्मिक गुरु तलाश करे जो उस ईश्वर के नजदीक ले जाता हो और उस ईश्वर से नजदीकी करवाता हो तीसरी कली में उस गुरु का जिक्र है जिसको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ अपने शिष्य के लिए सब कार्य करता है उसको समझाता है क्या लिखा है तीसरी कली में क्या दर्शाया है रमाना चाहिए हो अरे चोरी ठगी चुगल न पास सुहाना चाहिए हो मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए हो सतगुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए हो मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए चाहिए हो मन तो ना पाके हरि गुण
पाक हरि गुण गाना चाहिए।